हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है संजीव मिजोत्रा और आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड, जो हमारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है। ठीक है, हमने पिछले अपने लेक्चर में क्या स्टडी किया था, पढ़ा था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था वो क्या कह रहा था, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या हमें जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा, क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन्स निकाले और ये क्यों फेल हो गया, मतलब काफ़ी कुछ बता गया पर ये भी पूरे का पूरा हमें कह सकते हैं प्रॉपर नहीं था, इसमें भी फेलियर आया। तो फटाफट से हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, उन्होंने क्या कहा जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकला। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, जैसे हमने कहा था कि ज़्यादातर एटम क्या है, एम्प्टी है। हमने क्या कहा था जब हमने अल्फा पार्टिकल्स पास करवाए थे, है ना, जब पास करवाए थे। देखिए, एक बात है कि ये पढ़ने से पहले आप अपना रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक बार स्टडी कर लीजिए, मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, फिर आपको ये समझ आएगा। चलिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जो हमारा एटम का पार्ट है वो क्या है, खाली है। हमारा एटम का पार्ट क्या है, ज़्यादातर खाली है, क्योंकि हमने कहा था जब हमने अल्फा पार्टिकल्स पास करवाए थे तो ज़्यादातर सारे के सारे सीधे 99% सीधे चले गए थे, रेस क्या कर गई थी, सीधी चली गई थी और कुछ डिफ्लेक्ट हुई थी, वेरी फ्यू पीछे चली गई टकरा के। तो 99% क्या हुआ था, यो एटम में से इस तरीके से पास हो गए थे। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जो पूरे का पूरा हमारा एटम है वो ज़्यादा क्या है, हॉलो है, खाली है। और सेकंड कंक्लूजन, सेकंड क्या निकला, द एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर, कहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेंटर में, एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंटर में। ये भी कैसे पता चला था, जब उन्होंने कहा, जब मैंने कहा फ्यू जो रेज थी ऐसे गई और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, अल्फा पार्टिकल्स जो थे हमारे पास ये क्या थे, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। जब ये पास, कुछ तो चलो 99% तो सीधे चलेंगे, जब ये वाला, जैसे मैं ब्लू कलर से लगाता हूँ निशान इसका, जैसे ये आया, जैसे ये इसके पास आया तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये तो पॉजिटिव थे ना, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये डिफ्लेक्ट कब होंगे, अगर उसे कहीं ना कहीं अंदर भी क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिले, मिला उसे मिला और यहाँ पे वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि ये सारे का सारा क्या खाली है। तो यहाँ पे क्या निकला, एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर, कहते सेंटर में देखा गया कि सेंटर में हमारी फ्यू जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट तभी होगी अगर ये पॉजिटिव थे, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का, क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, स्मॉल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस। फिर कहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो क्या है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम के मुकाबले जो न्यूक्लियस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब जैसे हम अगर बात करें, जैसे ये हमारे पास क्या है, साइज ऑफ एक्सरे से देखा गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, ये क्या है हमारा 10^-15 मीटर, 10^-10 मीटर, ये क्या आ गया, 10^-5 मीटर, मतलब 100,000। न्यूक्लियस का साइज 100,000 टाइम्स एटम के साइज से छोटा है, क्या 100,000 टाइम्स, 1,00,000 भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस का साइज एटम से कम है, छोटा है। अगर इसकी मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं तो हम ऐसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, इसको ऐसे करते हैं 10^-15, 10^-10 वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, क्यूब आ गया, और ये क्या आ गया, 10^-15, ये क्या आ गया हमारे पास, 10^-15,
ये मीटर क्यूब, मीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। अब इसको कैसे समझे, इसको कैसे समझे कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम कर रहा है। कैसे, जैसे सपोज हमारे पास ये क्रिकेट की ग्राउंड है, स्टेडियम है जैसे होता है ना, ग्राउंड है क्रिकेट की, और उसका यहां पे सेंटर में क्रिकेट की बॉल रखी जाए, और क्रिकेट के हम मैदान कह सकते हैं, इतना बड़ा मैदान हो कि यहां से रेडियस कितना बन जाए, 5 किलोमीटर, कितना बन जाए 5 किलोमीटर का रेडियस हो, इतना बड़ा मैदान हो खुला जिसका रेडियस कितना हो 5 किलोमीटर का, और उसमें हम सेंटर में क्या रख दें, एक क्रिकेट की बॉल रख दें, इतना फर्क है, इतना डिफरेंस है न्यूक्लियस और हम कह सकते हैं साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियस का, इतना फर्क होगा या इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, ठीक है। जैसे सेंटर में हमने यहाँ पे बॉल रख दी, और यहाँ पे जहाँ पे हमने बॉल रखी उसके 5 किलोमीटर के रेडियस पे हमने क्या बना दी, पूरी की पूरी इतनी बड़ी ग्राउंड बना दी, ठीक है, क्या बना दी, इतनी बड़ी एरिया ले लिया, ये ग्राउंड बना दी, एरिया ले लिया, उतना हम कह सकते हैं फर्क होता है न्यूक्लियस का और पूरे एटम का, चाहे वो साइज हो, चाहे वो हम किसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए कि इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सेंटर में बॉल पड़ी और उसके हम उससे वहाँ से रेडियस ले लेते हैं 5 किलोमीटर का, इतना ज़्यादा फर्क होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस होने वाला, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम अगला देखते हैं 5th नंबर पे, इसमें क्या कहा कि जितने ज़्यादा हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स या जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, या जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 ही प्रोटॉन अंदर होंगे, अगर 2 प्रोटॉन है तो, अगर 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद क्या कहा, क्या कंक्लूजन निकाला, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो एटम में पॉजिटिव चार्ज है किसके कारण है, प्रोटॉन्स के कारण, जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर। हालांकि अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, न्यूटन 1932 में चैडविक ने उन्होंने किया था, अभी नहीं हुआ, पर अभी हमें आज का आज तो हमें पता ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस किसके कारण है, प्रोटॉन्स के कारण। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किसके कारण है, प्रोटॉन्स के कारण आ रहा है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स का जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, पॉजिटिव चार्ज का, वो क्या रहेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसी में पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5, किसी में 6, इसके कारण जो मैग्नीट्यूड होता रहेगा वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे एटम्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अलग अलग एटम्स के लिए प्रोटॉन्स भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, मतलब चेंज होगा। उसके बाद द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, जो मास होगा न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का मास होगा वो क्या होगा, ड्यू टू प्रोटॉन्स, मतलब सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, हमने कहा था ना सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, जो मास हो रहा है, मास किसका है, मास न्यूक्लियस का किसके कारण है, प्रोटॉन्स के कारण, एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स, अभी न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कस नहीं हुआ, उन्हें कहा कि जो मास है वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल मास वो सही नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि थॉमसन ने भी हिंट दिया था उसके बारे में कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिक न्यूट्रल चार्ज है, इसके अलावा भी कुछ और भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, तो जो मास है वो किसके कारण है, एक तो प्रोटॉन के कारण तो है ही है, और उसके अलावा भी कोई और पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रल पार्टिकल होगा जिसका मास ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल, किसके इक्वल, प्रोटॉन के, ठीक है, क्लियर है जी। तो मैंने क्या कहा था, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमने आज पढ़ते हैं ना प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो मास नंबर आता है किसके कारण आता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के कारण, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का मिला के हम क्या निकालते हैं, मास नंबर निकालते हैं ना, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ऐसे न्यूक्लियॉन। उसके बाद 8th पॉइंट क्या कहता है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विच इज बैलेंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, हेंस इट इज न्यूट्रल। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और
विच इज बैलेंस बाय पॉजिटिव. उनको बैलेंस कौन कर रहा है, मतलब चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, बैलेंस करेगा, तभी हमारा पूरे का पूरा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया कि द अगला कौन सा पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है कि एक जगह पर स्टेशनरी खड़े हैं, ऐसा नहीं है, बट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो एट ए वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड पे ऑर्बिट में, ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हमारा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं हाई स्पीड पे. कैसे, जैसे 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 सन है हमारा, सन के इर्द गिर्द जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, घूमते हैं. हमारे सन के इर्द गिर्द क्या है, अर्थ भी घूम रही है, प्लैनेट्स घूमते हैं. ठीक है, तो तभी हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे सन के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं. तो तभी इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स. प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लैनेट की तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जैसे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं. ठीक है, तो तभी इनको क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इनमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें क्या बनी रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. पर इसमें दिमाग में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्यों जो चार्ज जो जिसका ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचता, अपनी तरफ खींच के वो यहाँ पर टकराना चाहिए, क्यों नहीं आता. रदरफोर्ड ने ये कहा कि इसको कंपनसेट कौन कर रहा है, इसको कंपनसेट कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आती है, जैसे हम देखते हैं ना, कोई भी जैसे धागा ले लें और इसको इसको मारकर कोई टांग ले, ऐसे बांध दे और ऐसे ऐसे घुमाते रहें, ऐसे ऐसे घुमाएं, हाई स्पीड में घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, वो जो ये मार्कर रहेगा ये इस तरीके से घूमता रहेगा, जैसे हम यहाँ से घुमा रहे हैं, जो सेंटर से क्या लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जो उसको नज़दीक नहीं आने दे रही. ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, इसमें भी क्या लगी रहती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब क्या क्या कहने का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, इसको कंपनसेट कर देती है, इसको काउंटर बैलेंस कर देती है. ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं खींचता, तभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींचता, क्योंकि वो कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है उसको, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर रही है, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. अब यहाँ पे भी चलो ये सारा कुछ बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और पूरे का पूरा एटम जो है मैक्सिमम खाली पड़ा हुआ है, और उसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है. ठीक है, सारा जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, सारा कुछ रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक जो एटम के बारे में बता दिया. पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के बारे में, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने नहीं बताया. तो ये रदरफोर्ड के क्या थे, फेलियर थे, ड्रॉबैक्स थे आगे, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. होप आपको आज जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड का था उसके बारे में समझ आ चुकी होगी. नए वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे जिसमें हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था, इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.